श्रोते हो नमस्कार साध संवाद या कार्यक्रम आज मनपूर्वक स्वागत है श्रोते हो आज साध संवाद कार्यक्रम हिंदी भाषे श्रोताओं आज दूर संचार हमारी दैनिक और अति आवश्यक सेवाओं में से एक है आजकल समाचार पत्रों में दूरसंचार विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुविधाएं एवं फाइव नेटवर्क के विस्तार के बारे में काफी पढ़ा जा रहा है इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए दूरसंचार विभाग से आज हमारे बीच उपस्थित है श्री राजू सिन्हा नमस्कार। नमस्कार। राजू सिन्हा भारतीय दूरसंचार सेवा 1985 बैच के अधिकारी है वर्तमान में वो महाराष्ट्र लाइसेंस सेवा क्षेत्र दूरसंचार विभाग भारत सरकार पुणे कार्यालय में विशेष महानिदेशक दूरसंचार के पद पर कार्यरत है उनके पास दिल्ली महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में दूरसंचार विभाग एम टी एन एल एन टी आई पी आर आई टी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संचालन प्रोजेक्ट और योजना प्रशिक्षण में ग्रुप ए अधिकारी के रूप में 36 वर्ष का कार्य करने का उनका अनुभव है श्री विक्रम मालवीय जी आपका भी स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में धन्यवाद मैडम विक्रम मालवीय जी भारतीय दूरसंचार सेवा 1988 बैच के अधिकारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है सेवा में रहते हुए उन्होंने एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की है वर्तमान में वो महाराष्ट्र लाइसेंस सेवा क्षेत्र दूरसंचार विभाग भारत सरकार पुणे कार्यालय में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत है उन्हें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में दूरसंचार विभाग बी, बी और बीएसएनएल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप ए अधिकारी के रूप में 33 वर्ष का काम का अनुभव प्राप्त है तो आइए आज की बातचीत हम शुरू करते हैं पहला सवाल राजू सिन्हा जी से है सिन्हा जी आप ये बताइए कि फाइव टेक्नोलॉजी क्या है तथा बार बार टेक्नोलॉजी बदलने की आवश्यकता भी क्यों पड़ती है सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमें ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए जी। ताकि मैं सीधे रूप से जो हमारे माननीय श्रोतागण हैं उनसे जुड़ पाया हूँ और रूबरू हो पाया हूँ जो कम्युनिकेशन है जिस तरह से जितने हमारे संसार में दूसरे प्राणी हैं उसी तरह मनुष्य भी एक प्राणी है जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग है केवल लेकिन ईश्वर ने हमें पांच सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं ये जो है कम्युनिकेशन कहलाती है जहाँ तक टेली का सवाल है उसमें हम केवल अपने दो सेंसरी ऑर्गन मुख और कान का उपयोग करते हैं जो बीच की मीडिया है वो धीरे धीरे डेवलप होती चली गई पहले लोग नजदीक में बात करते थे तो हम उसको कम्युनिकेशन कहते थे जब एक बीच में मीडिया आई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया तो ये टेलीकम्युनिकेशन का रूप ले लिया इसने टेलीकम्युनिकेशन के रूप में शुरू में चूंकि मनुष्य की आवश्यकता केवल बात करने की होती थी तो उसी ढंग से टेक्नोलॉजी भी थी केवल बात करने की बात हुई तब जो टेक्नोलॉजी हमने बीच में जो बेतार बनाया पहले तार के माध्यम से करते थे जब बेतार हुआ तो वो वन का रूप लिया क्योंकि बात केवल होती थी जब बात करने के साधन बढ़ गए दूर में तो फिर व्यापार के भी साधन बढ़ गए तो उसमें जो आपस में जो डेटा है बिजनेस से रिलेटेड डेटा वो उसको आदान प्रदान करने की मनुष्य को जरूरत महसूस हुई तब 2G टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो उसमें मुख्य रूप से वॉइस ही थी लेकिन थोड़ा सा डेटा दिया गया जिसे हम जी पी आर एस भी कहते थे तो इस तरह से टू जी आई उसके बाद धीरे धीरे अब आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है तो आवश्यकता बढ़ी और डेटा की रिक्वायरमेंट हुई तो लगभग दस दस साल के अंतराल पे ये टेक्नोलॉजी बदलती बदलती चली गई मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार और जो हमारे विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग उपकरण बनाए उसके अनुसार तो इसी तरह थ्री आई तो बात तो है वहां पे जो हम बात करते हैं आपस में वो सबके साथ रही लेकिन डेटा का माध्यम बदलता चला जी। तो इस तरह थ्री जी आई सुविधाएं बढ़ती गई सुविधाएं बढ़ती चली गई आवश्यकता के अनुसार फिर थ्री जी आया लेकिन उससे भी आवश्यकता उसने काम किया दस साल बखूबी फिर फोर जी आ गई तो बात करने का माध्यम तो वही रहा लेकिन जो डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती चली गई फिर फोर के बाद जो इसी तरह दस साल के उपरांत के बाद फाइव जी आई हमारे सामने जी। तो आज के डेट में जो हम चर्चा का मुख्य विषय है वो फाइव जी टेक्नोलॉजी है तो थ्री जी से फोर जी के तरफ एक टेक्नोलॉजी का विकास है और फाइव जी जो है वो पूरा एक नेटवर्क का विस्तार है जी। इसको हम सीधे केवल टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते हैं बल्कि ये टूटी हुई अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होकर जाने वाली टेक्नोलॉजी है अच्छा जिसमें हम अलग अलग उपयोग हैं जिसका प्रारंभ में डेटा हाई स्पीड डेटा के रूप में किया जा रहा है वैसे इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है जो हम आगे चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल आपकी बात से ऐसा लगता है कि 5G पे रुकने वाले हम नहीं है लेकिन पहले 5G क्या है वो तो उसकी जानकारी तो हम ले लें विक्रम मालवीय सर आपसे पूछना चाहूंगी कि 5G टेक्नोलॉजी 4G से किस प्रकार से बेहतर है फाइव टेक्नोलॉजी फोर के तुलना में कई मायनों में बेहतर है परंतु मुख्य रूप से इसके तीन जो मुख्य अंग हैं वो अलग हैं या बेहतर हैं इसमें पहला अंग है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है जी। दूसरा इसकी लेटेंसी या विलंबता जिसको कहते हैं डेटा पहुंचाने की जो विलंब होता है उसकी वो काफ़ी कम है और तीसरा इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा है तो यदि हम थियोरटिकली देखें इसको तो लेटेंसी जो होती है वो फोर जी में दस मिली सेकेंड होती है और फाइव जी में वो लेटेंसी वन मिली सेकेंड हो गई वन टेंथ हो गई मतलब टेंथ टाइम मच फास्टर लेटेंसी का एक अंदाजा देने के लिए मैं बताऊंगा कि जैसे कोई मनुष्य पलक झपकाता तो वो दो सौ से चार सौ मिली सेकेंड लेता है तो उसमें एक मिली सेकेंड इसमें लेटेंसी है अच्छा तो इस प्रकार से ये लेटेंसी का हुआ इसके बाद जो स्पीड है जो फोर जी में स्पीड वन जी बी पी एस होती है तो इसमें स्पीड ट्वेंटी जी बी पी एस होती है मतलब बीस गुना ज़्यादा और इसी प्रकार से जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जिसका उपयोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और आईओटी जैसे क्षेत्रों में किया जाता है नहीं। नहीं। तो वो करीब एक लाख फोर जी में होते हैं एक लाख डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर में कनेक्टेड होते हैं और इसमें फाइव में ये दस लाख तक बढ़ जाते हैं अच्छा इस तीन ये मुख्य बिंदु हैं और थोड़े थोड़े कई और में विस्तार है तो ये एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है फोर से काफी बेहतर है जी हाँ और 4G से 5G में आने में हमें दस साल लगे ऐसा कह सकते जी हाँ टेक्नोलॉजी बदलने के लिए सिन्हा सर 5G के बाद क्या नई जनरेशन की कोई अन्य टेक्नोलॉजी भी आएगी बिल्कुल 5G पे जहाँ काम चल रहा है तो 5G के बाद जो उसे नाम दिया जा रहा है वो सिक्स जनरेशन का नाम दिया जा रहा है अच्छा उसके बीच की जो एक इंटरमीडिएटरी स्टेज है वो 5G एडवांस्ड कहलाती है जिसपे ऑलरेडी काम चल रहा है या 5.5G आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में लेकिन टेक्निकली हम उसे 5G जी एडवांस्ड कहते हैं अच्छा तो 5G जी एडवांस्ड नॉर्मली ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर ड्रिवेंड टेक्नोलॉजी है ठीक है हार्डवेयर का सपोर्ट है हार्डवेयर साथ साथ इम्प्रूव हो रहे हैं लेकिन मुख्यतः सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है तो ये जो 5.5 या 5G एडवांस्ड है उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो 6G का है जिसमें अच्छा। स्पीड और भी ज़्यादा होगी और मनुष्य के हित में और भी बेहतर जो सेवाएं होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी तो पहले क्या होता था कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसे बताया है कि जो टेक्नोलॉजी हम पहले इंपोर्ट करते थे ज़्यादा लेकिन अब इंडीनियस रूप में 5G आई जो 5G इंडिया के तौर पे भी इसे मान्यता प्राप्त हुई है और अभी 6G विश्व समुदाय जिस टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड को बढ़ाने जा रहा है उसमें भारत आगे बढ़ के इसमें भागीदारी कर रहा है ताकि हम दुनिया को भी स्टैंडर्ड दे सकें कौन से ऑपरेटर फाइव जी वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं जी हां वर्तमान में जो लाइसेंस लिया था जो वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो और एयरटेल ने लिया था इसमें से अभी वर्तमान में रिलायंस जियो और एयरटेल ने आगहारिक रूप से अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी है और वोडाफन आइडिया भी शीघ्र ही इसको लॉन्च करने जा रहा है जी हाँ इसका रीच कितना है ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि शहरों में पहुंचा, गाँवों में पहुंचा, जिले तक पहुंचा, ऐसा कुछ कह सकते हैं जी इसको यही बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारे जो देश भर में तीन लाख छियासी हजार जो बेस्ट बी स्टेशन लगाए जा चुके हैं दोनों ऑपरेटर को मिलाकर और यदि महाराष्ट्र को हम देखें मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र में रिलायंस जियो है उसने छब्बीस हजार नौ सौ बी लगाए हैं अच्छा। और एयरटेल ने करीब चार हजार आठ सौ के करीब बी लगा दिए हैं अच्छा और इसकी यदि रीच की बात करें तो रिलायंस जियो की रीच करीब सात हजार सात सौ गाँव शहरों और गांवों तक पहुंच गई है देश भर में और एयरटेल का भी करीब करीब देश के सभी प्रमुख शहरों में विस्तार हो चुका है और अभी भी विस्तार जारी है जहाँ जहाँ उसके डार्क पॉकेट है उसमें फाइव का विस्तार की प्रक्रिया चालू प्रक्रिया चालू है जी हाँ। जी जी आसिना सर मेक इन इंडिया की की बात भी अभी आपने हाँ। उससे जुड़ के ही एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है परंतु दूर संचार के क्षेत्र में अधिकतर उपकरण आयात किए जाते हैं इस दिशा में दूर विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो जानना चाहेंगे बहुत ही बढ़िया मोबाइल इंस्ट्रूमेंट अब भारत में काफी मात्रा में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं जी जो हमारा वित्तीय वर्ष बाईस था उसके अनुसार लगभग पैंतालीस हजार करोड़ के एक्सपोर्ट की तुलना में वित्तीय वर्ष तेईस में नब्बे हजार करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए हैं इसके साथ ही चिप डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों को भी सरकार द्वारा फंडिंग किया जा रहा है अच्छा आपको विदित होगा या जानकर हर्ष होगा कि सी डॉट के द्वारा भारतीय फोर टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है जिसे आने वाले कुछ ही समय में फाइव में भी अपग्रेड किया जाएगा बी द्वारा ग्रामों में भी इस स्वदेशी तकनीक से 4G के बी लगाए जा रहे हैं। अच्छा तो मेक इन इंडिया में आप भी पीछे नहीं हैं ऐसा ही हम अनुमान लगा सकते हैं इसे मालविया सर 5G नेटवर्क के क्या अलग उपयोग हो सकते हैं 5G नेटवर्क का उपयोग तो की कोई सीमा नहीं है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग है पर विशेषकर मेडिकल कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेट इंटरटेनमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट और फैशन टेक्नोलॉजी आदि में भी प्रयोग किया जाएगा hmm. जब 5G टेक्नोलॉजी का यहाँ पे टेस्टिंग डीओटी द्वारा की गई थी तो जो ऑपरेटर्स द्वारा विभिन्न प्रकार के यूज़ केसेस का प्रदर्शन किया गया था इसमें मेडिकल के क्षेत्र में बताया गया था कि किस तरह से रिमोट डायग्नोसिस किया जाता है कि गांव में बैठा हुआ कोई मरीज है हाँ। उसको शहर का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर किस तरह से उसका डायग्नोसिस कर सकता है और किस तरह से उसका उपचार भी कर सकता है बैठे बैठे इसी तरह से उन्होंने मेडिकल फाइव जी का भी प्रदर्शन किया था वो एम्बुलेंस जो है पूरी तरह से सभी इक्विपमेंट से सज्जित थी और जैसे ही यदि कोई गंभीर मरीज उसमें आता है तो फाइव जी के द्वारा उसकी स्थिति का तुरंत ही एम्बुलेंस में आते से ही उसकी स्थिति की जानकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचाई जा सकती है के पहले उसकी जानकारी पहुंच हां, बिल्कुल, जाती बिल्कुल, है जी, से। जी हां। और जी। उसका उपचार वहीं से प्रारंभिक शुर। उपचार शुरू हो जाता है जिससे कि मरीज की जान भी बचाई जा सकती है यदि वो गंभीर अवस्था में है जी बिल्कुल तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी इसका मतलब उपयोग है जैसे कि मान लो लंबे दूरी में सफर में कोई ट्रक ड्राइवर है तो उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है उसकी पलक झपकने की फ्रिक्वेंसी से ये पता लगाया जा सकता है कि उसको नींद आ रही है कि नहीं यदि नींद आ रही है तो उसको अलर्ट किया जा सकता है और कोई एक्सीडेंट से बचाया, बचाया जा सकता है इसी तरह से एक फैशन टेक्नोलॉजी में प्रदर्शन किया था कि एक रेडीमेड दुकान पे एक स्क्रीन थी जहाँ पर यदि कोई अपना उपभोक्ता वहाँ पे खड़ा होता है तो उसका सामने उसका दिख जाता है कपड़ा मुझ पर इसका कैसे फोटो। दिखेगा इसका जी फोटो हाँ, इसका फोटो फोटो मतलब दिख जाता है और वहीं से वो अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर लेगा तो उसको उसके साथ फोटो ड्रेस के साथ दिख जाएगा बिना पहने ही तो इसके तुरंत वो कई सारी ड्रेस को ट्राई कर सकता है इस तरह के नए नए कई उपयोग आगे आने वाले समय में डेवलप होंगे इसकी कोई वैसे सीमा नहीं है सीमा नहीं है जी हाँ मैं अपने सहयोगी मालवीय जी की बात को थोड़ी आगे दो सुखद अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं से हरियाणा और सिक्किम का फाइव जी अवेयरनेस के बारे में हम हरियाणा पहुँचे थे हमने भी नहीं सोचा था लोग कितने जागरूक हैं छोटे शहरों के भी वहाँ उन्होंने बताया कि हमारी एक समस्या है क्या वो इस टेक्नोलॉजी से दूर हो सकती है उन्होंने पूछा बताइए आप बोले हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है वहाँ अभी भी पशुधन काफी है लोगों के पास उसका उपयोग करते हैं वो।, वो बोले कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हमारी कैटल बीमार हो जाती है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करके लाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो चलने की स्थिति में होती नहीं, नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं ऐसा सवाल उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा क्यों बोले हमारी सबसे बड़ी अभी समस्या यही हरियाणा की बात बता रहा तो हमारे साथ जो नेटवर्क ऑपरेटर थे कंपनी उन्होंने बताया कि हम वो कैटल को आपको गाड़ी पे भी लोड नहीं कर तो जो हेल्थ केयर में जो मनुष्यों के लिए जो अभी सेवाएं वहाँ फाइव जी उपयोग करके की जा रही हैं उसको हमारे ऑपरेटर ने बड़े हाथों में लिया कि हम उसके लिए कैटल के लिए भी डेवलप करेंगे ताकि शहर में एलिमन हजबेंड्री उसको दूर से ही दे तो ये के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जी बिल्कुल दूसरा मैं साझा करना चाहूँगा हम सिक्किम पहुँचे थे वहाँ जो एक समस्या थी आपने कभी यूट्यूब में देखा भी होगा लोग सिटी और पक्षियों के विभिन्न ध्वनि के द्वारा ऊपर और नीचे कम्युनिकेट कर उन्होंने बताया कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है ठीक है वो पौधे पनप रहे हैं अपनी गति से लेकिन उसकी देखभाल के लिए उन्हें पहाड़ों पे ऊपर जाना पड़ता है जी। तो उसमें यह टेक्नोलॉजी किस तरह से मदद कर सकती उसके लिए जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने बताया कि छोटे छोटे सेंसर आते हैं पहले हम इंटरनेट जो करते थे वो आदमियों के बीच में करते थे ये अब बदल करके जैसा मालवी जी ने बताया वो इंटरनेट ऑफ ह्यूमन बीइंग था वो अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन गया छोटे छोटे डिवाइस में भी सेंसर लगेंगे सिम के जैसे जो 5G टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको सपोर्ट करेगा तो एक किसान अगर अपने घर पे बैठा है तो जो अपने खेतों में विभिन्न कैरियों में जो सेंसर लगे होंगे उसके माध्यम से वो अपने खेतों की देखभाल ही कर सकता पानी गया नहीं गया पानी गया नहीं पेस्टिसाइड देनी है नहीं देनी है किस तरह से देनी है लेकिन वो एक सोच है अभी बहुत ढंग से इम्प्लीमेंटेड नहीं है लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग उसके अंदर किया जा सकता है सकता। जी। तो ये टेक्नोलॉजी उस चीजों को भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर एरिया है उस क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाए कर पाएगी या कर रही है क्या कह सकते अभी डिप्लॉयमेंट की स्टेज है हाँ। जो जिस ढंग से डिप्लॉय हो रही है हाँ। तो ये सब इनको हम अपने टेक्निकल भाषा में यूज केसेस बोलते हैं तो जिस तरह की यूज होगी उस तरह की सॉफ्टवेयर तुरंत बन जाएगी इसलिए इसको बात या डेटा के माध्यम की टेक्नोलॉजी नहीं है पूरा एक नेटवर्क है, एक विस्तार का क्षेत्र है जिसका उपयोग लंबे समय तक जी बिल्कुल जब 5G के इतने BTS और टावर लगेंगे तो क्या BTS के पास रहना सुरक्षित रहेगा ये सामान्य मनुष्य के मन में आने वाली बात है कि मोबाइल टावर से भी हम डरते हैं कि इसका कोई विपरीत परिणाम हम पर न हो इसलिए ये सवाल है लोगों के मन में रेडिएशन को लेकर शंका है इसलिए दूरसंचार विभाग द्वारा रेडिएशन से सुरक्षा के संबंध में क्या स्टैंडर्ड बनाए हैं इसकी जी हाँ रेडिएशन से बचाव के लिए दूरसंचार विभाग ने काफ़ी प्रोटेक्शन लिया है और काफी कड़े स्टैंडर्ड बनाए हैं जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ईएमएफ रेडिएशन होता है उसकी पावर डेंसिटी करीब 10 वॉट प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए कहीं पे भी पृथ्वी के किसी भी हिस्से में इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो इस पर और कड़ा करते हुए दूरसंचार विभाग ने भारत में इसको दस गुना और कड़ा कर दिया है अच्छा। इसका जो पावर डेंसिटी जो मैक्सिमम हो सकती है वह वा एक वाट प्रति वर्ग मीटर होती है हुँ हु। तो इससे काफ़ी मतलब सुरक्षित है किसी प्रकार की जैसे कि रेडियो और टीवी का जो रेडिएशन है उसी तरह का यह भी रेडिएशन है हालांकि आप देखें कि सूरज का जो रेडिएशन है वो तो इनके हजार गुना ज़्यादा होता है करीब एक हज़ार वार्ड प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर या 1000 से 1400 के करीब होता है वो वार्ड प्रति वर्ग मीटर तो वो काफ़ी अधिक होता है इसी प्रकार से डब्ल्यू और दूसरे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी रिसर्च की है और उन्होंने इसको पूर्णतः सेफ माना है अच्छा। तो किसी प्रकार के डर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं बिल्कुल है बिल्कुल नहीं है। जैसे टीवी या रेडियो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरीके से जी हाँ बिल्कुल सेफ रहेगा जी हाँ रेडिएशन निर्धारित सीमा में हो ये दूर संचार विभाग कैसे सुनिश्चित करता है इसमें जो विभाग ने निर्धारित किए हैं कि कमर्शियल सेवा शुरू करने से पहले सभी पीटीएस के पावर को जो ऑपरेटर उसको लगा रहे हैं उसको अपने रेडिएशन लिमिट में लाना होता है तथा दूरसंचार विभाग को इस बारे में एक सर्टिफिकेट भी उस ऑपरेटर को देना होता है और ये हमारी रेगुलर ड्यूटी में भी आता है कि दूरसंचार विभाग द्वारा सभी मोबाइल टावरों का समय समय में ऑडिट किया जाता है अच्छा। और शिकायत आने पर भी उसके रेडिएशन की की जांच जाती है मालवीय जी क्या कोई व्यक्ति अपने घर पर रेडिएशन की जाँच करने के लिए आपके डिपार्टमेंट से मांग कर सकता है जी हाँ जैसे सर ने बताया कि वैसे तो दूरसंचार विभाग खुद ही इतना विजिलेंट है इस ए... मामले पर कि ऑडिट करता रहता है तो ऐसी कोई अवस्था नहीं बनती परंतु तब भी यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर पे टीम आकर और रेडिएशन चेक करे तो वो बिल्कुल करवा सकता है इसके लिए एक तरंग संचार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन एक यू आर एल करके वेबसाइट है वहाँ पर जाकर वो अपनी जानकारी दे सकता है अच्छा और उसके लिए रेडिएशन uh, को चेक करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकता है सुन्हा सर आजकल मोबाइल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अन्य अनेक कार्यों के लिए हम इस्तेमाल उसका करते हैं मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का खोने से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है मोबाइल इंस्ट्रूमेंट खोने पर दूर संचार विभाग किस तरह से मदद कर सकता है ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया आए दिन समाचार पत्रों और अन्य माध्यम से हम इस तरह की न्यूज सुनते हैं जैसा हमने पहले बताया पहले केवल डाटा का आदान प्रदान ही होता था लेकिन जो वित्तीय भुगतान जैसी चीज़ें पहले नहीं होती लेकिन अब जो स्पीड बढ़ने के कारण और एंडेंसी कम करने के कारण फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं और इसमें भारत अन्य देशों के मामले में काफ़ी आगे है अग्रणी है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो एक सुविधा है वो उसके पीछे एक सुरक्षा भी आ जाती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल अभी लॉन्च किया है अच्छा, इसी वर्ष में संचार साथी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन बहुत ही उपयोगी पोर्टल है हम अपने श्रोताओं से भी गुजारिश करेंगे कि वो इसका उपयोग करे जिसके अंतर्गत एक ceir आई आर मॉड्यूल बोलते हैं उसको सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर तो उसमें पोर्टल में जाकर के इसको क्लिक करने से आप अपने खोए हुए मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं अच्छा और मिलने पर इसे अनब्लॉक भी किया जा सकता है ब्लॉक किए गए मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होने पर पुलिस को भी अलर्ट पहुंच जाता है अच्छा जिससे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को ढूंढा जा सकता है पहले हाँ, सुविधा नहीं थी लेकिन विभाग के द्वारा सुविधा अभी प्रदान की गई मालवीय सर मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को ब्लॉक करने के लिए क्या प्रक्रिया है जी हाँ मोबाइल इक्विपमेंट जब खरीदते हैं तो उस समय पर एक बिल देता है जिसमें उसका आई एम ए आई नंबर रहता है इंटरनेशनल मोबाइल आइडेंटिटी नंबर रहता है तो ये यूनिक नंबर होता है हर मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का ये यूनिक नंबर होता है तो जब खरीदते हैं तो वो बॉक्स में भी, भी रहता है और बिल में भी रहता है तो बिल संभाल के रखना चाहिए जैसे ही यदि खोता है इंस्ट्रूमेंट तो वह इक्विपमेंट का उपभोक्ता वो अपने पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके इसकी रिपोर्ट कर दे और अपने ऑपरेटर से एक डुप्लीकेट सिम ले ले अच्छा। सिम लेने के बाद जो सर ने बताया कि संचार साथी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन जो साइट है उस पर जाकर वहाँ पे ब्लॉक योर मोबाइल वो एक आइकन होता है वहाँ पे जाके अपने मोबाइल अच्छा। की जानकारी और इसके साथ ही वो पुलिस की रिपोर्ट यदि वहाँ पे सबमिट कर देता है तो उसको 24 घंटे के अंदर वो ब्लॉक हो जाता है अच्छा मोबाइल अब उस ब्लॉक इक्विपमेंट को इंस्ट्रूमेंट को कोई भी व्यक्ति यूज़ करेगा तो उसका अलर्ट पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है पुलिस फिर उससे संपर्क करेगा भले ही उसने सिम बदल ली हो दूसरी हो पर इक्विपमेंट की आइडेंटिटी पुलिस ओ, के पास पहुंच जाती है अच्छा। तो वो उस उपभोक्ता को संपर्क करके उससे मोबाइल बरामद कर देंगे और उसके असली मालिक तक वो मोबाइल पहुंचा देंगे सिम कार्ड के साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स भी जाननी जरूरी है और वो अपने पास रखनी भी जरूरी है इंस्ट्रूमेंट जब घूम जाए तो जी हाँ मालवीय जी कई बार हम मोबाइल सिम लेकर भूल जाते हैं या किसी को और को दे देते हैं या कोई हमारी आइडेंटिटी लेकर सिम इशू करवा कर मिस यूज कर सकता है तो हमारे नाम से कितने सिम जारी किए गए हैं ये कैसे पता चलेगा जी हाँ ये एक समस्या होती है क्योंकि कई बार हम मोबाइल आजकल सिम तो काफी फ्रीली उपलब्ध होती है तो व्यक्ति अपने नाम से लेता है और किसी और को दे देता है और दूसरा किसी तीसरे को जब दे देता है और उसका मिस किया जा सकता है तो संचार साथी पोर्टल में ही ये टेफकॉप करके मॉड्यूल उपलब्ध है यदि टेफकॉप मॉड्यूल पर जाएगा और वहाँ पे अपने कोई भी जो वर्किंग नंबर उसके पास है उपभोक्ता के पास वो वहाँ पे उस नंबर को डालेगा तो उसको उसके नाम से जितने भी सिम इशू किए हैं किसी भी ऑपरेटर ने इशू किए हैं सभी अच्छा। के नंबर उस पर आ जाएंगे मान लो कि दस है या बारह उसके नाम से हो सकते हैं तो जितने वो उसके उपयोग में हैं हो सकता है किसी और ने भी ले लिया हो उसकी आइडेंटिटी को फ्रॉड करके या चुरा के तो वो सभी नंबर उस पर डिस्प्ले हो जाएंगे अच्छा। अब उसी मॉड्यूल के द्वारा वो उन जो अनुपयोगी नंबर को ब्लॉक के करने के बंद करने की रिक्वेस्ट भी दे सकता है अच्छा तो ये एक अच्छा है क्योंकि कभी सोचा नहीं था इसके बारे में क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आगे ये बताता हूँ क्योंकि हमें भी याद नहीं रहता कि हमने भी पहले कोई ऐसी सर्विस ले रखी होगी होता क्या है जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं छोटे कहने का मतलब टेंथ में है ट्वेल्थ में मतलब बालिक नहीं है वो तो उन, उनको नहीं मिल पाता मोबाइल जी बिल्कुल तो हमारे उस समय हम हम अपने नाम से आधार के द्वारा दिए होते हैं अब समय गुजर जाता हमें खुद याद नहीं रहता और उन्होंने अपने नाम से बाद में सिम ले लिया और हमारा पुराना सिम जो है वो चल रहा है तो वो कभी भी गलत हाथों में जा सकता है।, है। हाँ। तो ये जो मालवीय ने बताया मैं दोबारा रिपीट करा टैफकॉप को जरूर यूज करें भारत सरकार द्वारा निर्धारित है कि नौ सिम ज्यादा से ज्यादा एक नाम, नाम पे जा सकता अच्छा, है। अच्छा। उसके बाद के सिम जो है अमाने करार होंगे मालवीय सर मोबाइल पर ओटीपी को लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड करने के कई मामले आजकल सामने आ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं दूरसंचार विभाग किस प्रकार एक ही व्यक्ति के द्वारा अनेक सिम लेकर इस प्रकार उनका मिसयूज करने पर रोकथाम कर रहा है जी हाँ ये एक बड़ी समस्या है और इसमें जो फाइनेंशियल फ्रॉड करता है वो अपने नाम से कई सारे वो एक तो फोटोग्राफ अपना खिंचवा लेता है या मूझ के बिना मूझ के डाडी के बिना डाडी के इस तरह के कई सारे फोटो ले लेता है और कई अलग अलग नाम से अलग अलग सिम ले लेता है जी तो ये एक समस्या आती है कि भाई एक नाम भी जब अलग अलग हैं फोटो भी अलग अलग से दिखने वाले हैं तो किस प्रकार से उसकी आइडेंटिटी इस तरह से सैकड़ों सिम ले लेता है और उन्हीं को फ्रॉड में उपयोग करता है तो इसके लिए दूरसंचार विभाग ने एक अस्त्र नाम का एक एप्लीकेशन डेवलप किया है इससे ये सतत रूप से हर जो उपभोक्ता है जब मोबाइल लेते हैं तो उस समय जो आप फोटो सबमिट करते हैं उस फोटो से तेरह करोड़ फोटो का मैचिंग किया जाता है अच्छा और उसमें मान लो कि आपके जितने भी मैच हो गए मान लो सौ मैच हो गए तो इसका मतलब है कि हंड्रेड उस व्यक्ति ने फ्रॉड करके अलग अलग फ़ोटो से उसको अलग अलग तरीके से वेश बदल कर उसने फ़ोटो लिया और हंड्रेड या टू हंड्रेड उसने सिम ले ली और इन्हीं का फ्रॉड में उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो इसका सतत हम लोग कर रहे हैं और जैसे जो भी ग्रुप में इस तरह के नंबर आते हैं उसको तुरंत एक्शन लेके उसको बंद करवाया जाता है तो इससे कम से कम इस तरह के अपराध में थोड़ी सी रोकथाम होती है जी बिल्कुल जी, जी. सिन्हा सर मोबाइल की चर्चा के बाद कॉपर या फाइबर ऑप्टिकल पर जो हमारे घरों में ब्रॉडबैंड चल रहे हैं उनके केबल का बार बार डेवलपमेंट कार्य में कट जाने से सेवाओं में रुकावट आ जाती है इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है हम जब भी विभिन्न ऑपरेटरों के साथ पहले मीटिंग करते थे तो ये समस्या होती थी एक ने डाला फिर दूसरे के द्वारा वो कट गई साल भर तो, चलता रहता हाँ, है हाँ तो वो समस्याएं वो एक समस्या थी तो दूरसंचार विभाग ने इंटरनली एक ऐप डेवलप किया इसके लिए जिसे हम कॉल बिफोर यू डिग कहते हैं अच्छा। जब हमारे पास केवल कॉपर की लाइन थी तभी ये एक सेवा थी लेकिन उस समय चूंकि दूरसंचार विभाग ही केवल एक ऑपरेटर था इसलिए इंटरनली वो यूज होता था जी। अभी जब से विभिन्न क्षेत्र के लोग भी दूरसंचार सेवा में आ गए हैं फिर मोबाइल सबों के पास है तो इसलिए एक ऐप डेवलप किया गया जिसे कॉल बिफोर यू डिक कहते हैं हालांकि श्रोता इसका उपयोग नहीं करते लेकिन जो इंटरनली जितने ऑपरेटर हैं वो इसका उपयोग करते हैं ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुदाई एजेंसियों और भूमिगत उपयोगिता मालिकों के बीच में सुचारू रूप से समन्वय की सुविधा प्रदान करता है तो इससे फायदा होता है कि जो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी टाइम है अप टाइम है वो बढ़ जाती है तो वो अपना सुरक्षित रूप में अपनी केबल डाल सकता है इसके संबंध में जितनी खुदाई एजेंसी हैं उनके साथ हम मीटिंग करते हैं अब ऐप तो बना दिया यूज करना जरूरी है तो उनको हम प्रमोट करते हैं कि आप इस ऐप में रजिस्टर हो जाइए और खुदाई के पहले जी इंटीमेट कीजिए ताकि ये हमारे उपभोक्ताओं के सेवाएं मिल सकें जी श्रोताओं राजू सिन्हा जी और विक्रम मालवीय जी से हमने आज 5G संचार साथी पोर्टल अस्त्र जैसे अनेक पोर्टल और ऐप्स के बारे में सुना आप दोनों का तह दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी आप लोगों ने आकाशवाणी में आके हमारे श्रोताओं से बातचीत की और कई सारे विषयों पर जानकारी दी मनपूर्वक आभार धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद